केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य मुकेश यादव, रहली सागर, मध्य प्रदेश। रतलाम के सपूत शहीद कन्हैयालाल जाट आज पंचतत्व में विलीन हो गए। पूरे राजकीय सम्मान और सेना के प्रोटोकॉल के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी बेटी आराध्या ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। कन्हैया को सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। इस मौके पर शहीद कन्हैया की पत्नी और बेटी ने सैल्यूट करके सलामी दी। ग्वालियर में कर्फ्यू के बीच दिन दहाड़े एक पुलिस जवान के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना दर्पण कॉलोनी बैंडी स्कूल के सामने पार्किंग की है। एक दिन पहले सिपाही के भाई ने हत्या के आरोपी को किसी विवाद पर थप्पड़ मार दिया था। इसी थप्पड़ का बदला लेने वो साथियों के साथ आया और गले में गोली मारकर हत्या कर दी थी। सागर के कैंट थाना क्षेत्र के मढ़िया विट्ठल नगर के पास मकान की दीवार तोड़ते समय गड़ा धन मिला है। दीवार में महारानी विक्टोरिया शासनकाल के चांदी के 30 सिक्के मिले हैं। सिक्के मिलने पर मकान तोड़ने का काम कर रहा मजदूर सिक्के लेकर घर चला गया और छिपा कर रख लिए। पुलिस ने सिक्के जब्त किए हैं। कटनी में एक प्लास्टिक और क्रॉकरी की बड़ी गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे 50 लाख से ज्यादा का सामान जलकर खाक हो गया है। घनी बस्ती के बीच गोदाम मौजूद होने से फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। रीवा जिले के मऊगंज कस्बे से आज एक बार फिर सिस्टम को शर्मसार करती हुई तस्वीर सामने आई है, जहां सर्पदंश से मृत हुई पत्नी के शव को ले जाने के लिए पति को शव वाहन नसीब नहीं हुआ और वो लकड़ी की तरह बांधकर मोटर बाइक में पत्नी का शव ले जाते हुए दिखा। कोरोना संक्रमण में दमोह उपचुनाव के बीच माता पिता को खोने वाली बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष देवनारायण श्रीवास्तव की बेटी सोनाक्षी संगठन और सरकार के असंवेदनशील रवैये को लेकर खफा है। पिता के निधन के 25 दिन बाद भी पार्टी और सरकार ने पीड़ित परिवार के प्रति न संवेदना व्यक्त की और न ही परिवार में अकेली बची बेटी को किसी तरह से मदद की है। जबलपुर की खितौला थाना क्षेत्र के पास उड़द के खेत में एक युवक की हत्या कर फेंकी गई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की 21 मई को ही शादी हुई थी। दोपहर में वो कुछ दोस्तों के साथ निकला था। शाम को उसकी लाश घर से 15 किलोमीटर दूर मिली। युवक की पत्नी के हाथों की मेहंदी और पैरों का महावर भी नहीं छूटा था कि वो विधवा हो गई। छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित से एक अज्ञात महिला ने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग कर अश्लील हरकतें करते हुए उसे रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद कांग्रेस विधायक को ब्लैकमेल करने लगी। विधायक ने पुलिस थाने में शिकायत की है। इंदौर के शांति नगर में रहने वाली एक महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। पति का आरोप है कि उसके पड़ोसी से संबंधित थे, उसने उन्हें अपनी आंखों से देख लिया था। इसके बाद उसे काफी समझाया भी था, इसी बात से गुस्सा होकर उसने फांसी लगाई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। भोपाल को अनलॉक करने से पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बुधवार को भोपाल के नरेला विधानसभा के अशोका गार्डन के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने लाउड स्पीकर से लोगों से अपील करते हुए कहा कि भोपाल से कोरोना कर्फ्यू हटाने और अपनी जिंदगी सुचारू रूप से चले इसके लिए ये जरूरी है कि भोपाल की पॉजिटिविटी दर 3% से कम हो। केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य मुकेश यादव, रहली सागर, मध्य प्रदेश।